मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 2 साल तक कोरोना के दौरान नहीं दिया गया, इसलिए वर्ष 2018-19 के लिए पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इनके हाथों प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और पर्यटन सचिव अरविंद सिंह मौजूद थे। महाराष्ट्र को पहली बार सर्वोत्कृष्ट राज्य के लिए सर्वांगीण पर्यटन विकास का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और पर्यटन निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉ. धनंजय सावलकर ने पर्यटन विभाग महाराष्ट्र सरकार की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया और उक्त राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार होटल परिवहन गाइड विशेष पर्यटन नागरिक सुविधाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले निजी और सार्वजनिक संगठनों को दिया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र में पर्यटन विभाग महाराष्ट्र सरकार सर्वश्रेष्ठ राज्य में दूसरे स्थान पर है। नागरिक सुविधाएं और श्रेणियां पांचगनी नगर परिषद सतारा, ताजमहल पैलेस 5 स्टार डिलक्स मुंबई, वेलनेस टूरिज्म आत्मा मंथन वेलनेस रिजॉर्ट मुलशी पुणे, ग्रामीण पर्यटन सगुना बाग नरेल श्री चंदन भड़सवाले, जवाबदा पर्यटन वेस्टर्न रूट्स पुणे आदि के साथ कुछ अन्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।